का युद्ध सबसे बड़ा था। उस युद्ध में करीब 1,00,000 लोग सैनिक मर गए थे, करीब 1 से 1.5 लाख घायल हुए थे, उसमें बहुत सारे बच्चे भी थे। और बच्चे अपने माता पिता को देखकर जो रो रहे थे, आक्रोश कर रहे थे, ये देखकर सम्राट अशोक को पता चला मेरी सीमा तो बढ़ गई। एक राजा, एक सम्राट की ऐसे से तो मैंने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन एक इंसान के तौर पर मैंने बहुत कुछ खोया है। और तब उनको पता चला, तब उन्होंने जाने की कोशिश की, उसके बाद उनको पता चला कि दुनिया में एक ऐसा धर्म है जो मानवता को मानवता सिखाता है, और वो बुद्धिज्म है। उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को उसने स्वीकार किया, और उसके बाद उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद भारत में कभी भी, मतलब अखंड भारत जो ईरान से शुरू होता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, भूटान, ये सब अखंड भारत हुआ करता था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो आज पटना है, सम्राट अशोक की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र जो आज पटना है। उसके बाद सम्राट अशोक के जो पंतु थे बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। उसके बाद जो भारत में सिलसिला चला, तब भारत के सभी लोगों को शिक्षा, सत्ता, संपत्ति से बेदखल कर दिया। शिक्षा, सत्ता, संपत्ति से बेदखल कर दिया बृहद्रथ को, बृहद्रथ की हत्या करने के बाद। अगर सम्राट अशोक की महानता का जानना चाहोगे, आज हम लोग रोड के दोनों साइड हम लोग प्लग पे देखते हैं। तब के जमाने लोग सिर्फ पैर से चलते थे, तब सिर्फ बैलगाड़ी नहीं तो घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, गाड़ियां तो नहीं थी, लोग फिर चलते थे। पर लोगों को चलते वक्त धूप ना लगे, इसलिए ये दोनों साइड पेड़ लगाए, ये उनकी संकल्पना थी। ठीक ठीक जगह पे लोगों को पानी पीने के लिए बावड़ी खोदी गई थी। इंसान के साथ साथ जानवरों का भी इलाज हो, इसलिए वेटरनरी हॉस्पिटल्स भी थे, पर सब ये उस वक्त था। और सम्राट अशोक के दौरान भारत में साक्षरता 26% थी। एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, जो ऐसे नाटेकर का किताब है, उसमें वो कहते हैं कि सम्राट अशोक के राज्य के दौरान या मौर्य साम्राज्य के राज्य के दौरान भारत में साक्षरता 26% थी, जो बाद में उसको जीरो कर दिया। पर उसके बाद हम अगर देखते हैं कि एक संत का वहाँ माहौल खड़ा हो जाता है, जो मुक्ति का आंदोलन था उसको भक्ति में बदल दिया। संत तुकाराम है, बाकी के जो संत है, संत गाड़गे बाबा है, ये सब लोगों ने जो मुक्ति का आंदोलन चलाया उसको भक्ति में कन्वर्ट कर दिया, लोगों को गुमराह कर दिया। उसके बाद अगर आते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले उन्होंने शिक्षा, और सबसे पहले शिक्षा किसी को दी वो तो महिलाओं को। सबसे पहले महिलाओं को 1 जनवरी 1848 1 जनवरी 19